नारी शक्ति की रक्षा के लिए आज नारी मैदान में नई संसद पर हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान की सहप्रभारी और इस आंदोलन को लेकर लगातार आपके बीच में जो चर्चा कर रही थी ऐसी विजय राठकर जी एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका गुर्जर जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश की हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी महिला मोर्चा की बहन पूजा जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश की महामंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, अलका बुंदला जी, अनीता बदेल जी, चंद्रकांता जी, रंजिता जी, बहन बावरी जी, समस्त हमारे यहाँ उपस्थित महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष बहन सुमन जी, मधु जी, मैं पीछे इसलिए नहीं देख रहा हूं कि पीछे देखा नहीं कि मुझे सबके नाम लेने होंगे। सभी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए और यह विशाल पंडाल में सभी मातृ शक्ति का आज जो रौद्र रूप में देख रहा हूं, मैं जरूर कह सकता हूं सिंहासन खाली करो, ये नारी शक्ति आने वाली है। ये गुंगी बारी सरकार को, इस नकारा और निकम्मी सरकार को ये जगाने का जिस प्रकार का एक बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया है, अरे एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी है जो कहते हैं कि बेटी हमारे लिए अभिशाप नहीं, बेटियां हमारे लिए अभिमान है, और इसको लेकर अनेक योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे हर महिला के मकान का प्रधानमंत्री आवास देना हो, हर घर में शौचालय देना हो, हर महिला को गैस का कनेक्शन देना हो, मुद्रा योजना में 70% लोन नारी शक्ति को देना हो, एक तरफ वो सरकार है जो CRPF है और CISF है, पहली बार महिलाओं के लिए रास्ता खोल देती हो, एक तरफ वो सरकार है जो पहली बार सैनिक स्कूलों में आजादी के बाद पहली बार बेटियों का दाखिले का रास्ता भी खोलती हो, तो दूसरी तरफ वो सरकार है जहां राजस्थान में एक नहीं अनेक दुष्कर्म की घटना है, नीरा पन्ना पद्मावती, काली माई और अमृता देवी जैसे गौरवशाली इतिहास के राजस्थान को शर्म साल अगर किसी ने किया है तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है, और उस अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये विशाल आंदोलन आप लोगों ने उस सरकार को चटाने का किया है। और बड़ी शर्म की बात है कि जब प्रदेश का मुखिया ये कहता हो कि दुष्कर्म के 65% मामले फर्जी पाए जाते हैं, जब प्रदेश के मुखिया का प्रिय मंत्री ये कहता हो दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, अरे मंत्री जी राजस्थान ऐसे मर्दों का प्रदेश नहीं है, राजस्थान तो उन मर्दों का प्रदेश रहा है जिन्होंने नारी की रक्षा के लिए अपने सर कलम करा दिए। आप कौन से मर्दों की बात कर रहे हो? ये इस प्रकार की बात आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती, और मुझे दर्द इस बात का होता है जब एक दिव्यांग बच्ची को, महिला को उठाकर जंगलों में दुष्कर्म हो जाता है, एक मुक्तदीर बहन के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होकर उसके गट्टे कर दिए जाते हैं, एक पति के सामने एक पत्नी का रेप हो जाता है, उसका वीडियो वायरल कर दिया जाता है, कोई बच्चियां स्कूल जाती है तो उनके साथ वहां दुष्कर्म हो जाता है, कोई रोटी मांगने वाली बहन पैंडेमिक कोरोना महाकाल में उसको उठाकर उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है,
एम्बुलेंस में जा रही महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, आईसीयू वार्ड में दुष्कर्म हो जाता है, खेत में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, ना सड़क पर कोई महिला सुरक्षित है। आज किसी महिला के शस्त्र लूट जाती है और वो जयपुर अगर किसी अधिकारी के पास जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो भेड़िया वहां भी रिश्वत के रूप में अश्वत मांग लेता है, तब मन में गुस्सा आता है कि ऐसे भेड़ियों को वही कब्रगा बना के गाड़ देना चाहिए। मैं आप लोगों को इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, ये 4 महीने का संघर्ष हमारे सामने है और 4 महीने बाद आपको और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये वंश ये राजस्थान की मातृशक्ति को विश्वास दिलाता है कि अगर कोई नारी शक्ति के खिलाफ तिरछी नजरों से भी देखेगा तो ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियों की रूह कांप जाएगी। आज जिस प्रदेश का गौरवशाली इतिहास मातृशक्ति के लिए रहा हो, उस राजस्थान में हमारी माताओं बहनों को इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करना पड़े, नारी टू नारायणी। और जब नारी अत्याचार के खिलाफ झंडा बुलंद कर देती है तो वो दुर्गा का रूप भी ले लेती है, तो काली का रूप भी ले लेती है। और इन अत्याचारों के नरसंहार के लिए आप जो पूरे प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई है, मैं उन सबके दर्द को समझते हुए ये जरूर विश्वास, मैंने जब आदरणीय विजया का इस कार्यक्रम को ले रही थी तब मैंने कहा कि ये मंच पे सिर्फ मातृशक्ति रहनी चाहिए, मंच का संचालन भी नारी शक्ति करेगी, उद्बोधन भी नारी शक्ति करेगी और इस आंदोलन का नेतृत्व भी नारी शक्ति करेगी। हम भाई आपके साथ आपकी व्यवस्था में लगे रहेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ जयपुर शहर की देखिए, सरकार को चुनकर इसीलिए देते हैं कि वो अपने प्रदेश में महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए कानून और सुव्यवस्था वो बनाकर रखे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। गत 4.5 साल में ये सरकार ने इसके लिए कोई काम नहीं किया है और आज इसीलिए राजस्थान प्रदेश रेप के मामले में देश में नंबर 1 हो गया है। नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार है उसमें भी नंबर 1 बन गया है। ऐसी सरकार क्या काम की है जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, जो महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दे सकती, मात्र उनका वोट लेती है और उसके साथ साथ बहुत असंवेदनशील व्यवहार करती है। इनके जो मंत्री है वो मंत्री बहुत खराब बयान करते हैं, जिसके खिलाफ गहलोत जी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी जब बात कहती है कि लड़की वो लड़ सकती हूँ, तो प्रियंका गांधी यहाँ पे क्यों नहीं आई? उन्होंने यहाँ पे चाहे दौसा हो, बीकानेर हो, राजस्थान हो, अलवर हो, वहाँ पे उदयपुर हो, वहाँ पे प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? इसका उत्तर उन्होंने देना चाहिए। जिस तरीके से घिनौनी राजनीति आज ये सरकार कर रही है, पुरुषों के साथ तो हो रही है, किसानों के साथ हो रही है, पर महिलाओं के साथ जो आपकी माता बहनी भगनी है उनके साथ आप इतना बुरा व्यवहार करते हैं तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। आज महिलाओं का आक्रोश बहुत उमड़ कर बाहर आया है। महिला राजस्थान की हर महिला आज सड़क पे है। जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है राजस्थान में, ये आपके सामने है। राजस्थान की महिला परेशान हो चुकी है, इसलिए सड़क पे उतरना पड़ा आज उसको। और आज हम मुख्यमंत्री निवास में जा रहे थे हमारा विरोध दर्ज करने, इन्होंने हमको जाने नहीं दिया। कई महिलाओं पे लाठियां बरसाई, उनको पीटा भी, उनको आगे नहीं जाने दे रहे। ये बहुत दुखी सरकार को जगाने के लिए आगे भी महिला हर प्रकार जी ये शुरुआत। देखिए, राजस्थान है वीरांगनाओं का प्रदेश है, वीरों का प्रदेश है। जहाँ 13 साल की कालीबाई हो, जहाँ माँ पद्मावती हो, जहाँ पन्नाध्यायी हो, जिन महिलाओं ने देश के लिए, देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश की भारत माता की सुरक्षा के लिए बलिदान दी हो, वहाँ राजस्थान की महिलाएं कैसे पीछे रह सकती है? और राजस्थान की महिलाएं अत्याचार सहती नहीं है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती है। और ये थालीनाद तमाम राजस्थान की महिलाओं का है और ये बता देना चाहती है कि महिलाओं पर जो है, जहाँ महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वहाँ महिलाएं डटकर सामना करती है।
देखिए ये भारत देश सनातनी परंपराओं का देश है और भारत माता की जहाँ कहा जाता है कि यात्र नारी पूजनते रमन तत्र देवता, और जिस प्रदेश के अंदर महिलाओं का नारी शक्ति के लिए अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप देख रहे हैं चारों ओर आपको मातृशक्ति नजर आ रही है, वो उसका परिणाम है।